जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में कि जिन बच्चों का मैसेज नहीं आया है चयनित होने का, वो बच्चे क्या करें। मैं आपको एक सूची बताता हूँ, आप यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से जान सकते हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ये मैसेज नहीं आया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लिया होगा कि आपका ये ग्रीन दिखा रहा था। अगर ग्रीन नहीं दिखा रहा है तो भाई आपको इस मामले में आपका कॉलेज ही सहायता कर सकता है। अगर ग्रीन दिखा रहा है तो फिर आपको क्या करना है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ दोस्तों, ये मैं मैसेज दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए, ये आज का मैसेज है, यानी कि सैटरडे का मैसेज है, 1:12 पे, यानी कि दोपहर में ये मैसेज आया है। 1:12 पे बच्चे को मैसेज आया है कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के प्रथम चरण के वितरण कार्यक्रम में आपको चयनित किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी मैसेजेस आ सकते हैं। आप पहले ही आप होपलेस नहीं हो सकते कि आपको मैसेजेस नहीं आए हैं, आपको ये मैसेजेस अभी भी आ सकता है। आप देख सकते हैं कि दोपहर 1:12 पे ये मैसेज एक स्टूडेंट को मिला है। अब आइए बात करते हैं दूसरी, कि आपको अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कारण हो सकता है आपके मैसेज ना आने का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई ये मैं आपको सूची दिखाता हूँ, आप यहाँ पे सूची में देख सकते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम है और यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, स्टूडेंट वेरीफाइड फॉर इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट अनवेरीफाइड बाई इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट अप्रूवल बाई UBSC और स्टूडेंट पेंडिंग फॉर, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, आप कैसे चेक कर सकते हैं। हर एक कॉलेज के पास ये डेटा है कि कॉलेज ने कितने बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, कितने बच्चों का वेरीफाई हुआ है, कितने बच्चों का वेरीफाई नहीं हो पाया है, कितने बच्चों को आप बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिला है, कितने बच्चों को अप्रूवल नहीं मिला है। हर एक डेटा आपका महाविद्यालय, आपका कॉलेज चेक कर सकता है। आप डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं चेक कर सकते, कॉलेज वाले ही खुद चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपकी कॉलेज में संपर्क है और आपका नहीं आया है मैसेजेस, तो आप एक बार कॉलेज से बात करिए कि सर क्या कारण है। कॉलेज अगर यहाँ चेक कर सकता है कि जैसे कि स्टूडेंट अनवेरीफाइड, ठीक है, या फिर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करके उनका डेटा का नाम आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिन बच्चों का है वेरीफाइड है वहाँ पे उनका BEd सेकेंड ईयर, ठीक है, यहाँ पे नाम, उनका UIN नंबर और उनका मोबाइल नंबर और उनके ईमेल आईडी, नाम सॉरी मोबाइल नंबर, उनकी जो पर्सनल डिटेल है UIN, उसको मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है ताकि पर्सनल उनको कोई मैसेजेस कॉल और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, आप यहाँ पे UIN, यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब इन केस ये जो भी मोबाइल नंबर भरा गया है विद्यार्थियों का, वो किसी विद्यार्थी से OTP लेके नहीं भरा गया है, ठीक है, महाविद्यालय के पास जो डेटा थी उसी आधार पे उनका मोबाइल नंबर डाल दिया गया और ये जीमेल आईडी डाल दी गई। तो ये भी मुमकिन है कि आपका जो मोबाइल नंबर पड़ा है, ये मुमकिन है कि आपका जो मोबाइल नंबर पड़ा है वो हो सकता है कि 1-2 अंक इधर उधर हो गया होगा, इसलिए आपको मैसेज नहीं आया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में मैसेज आपको आ जाएगा। तो मेरी सिंपल सी बात कहने की ये है कि इस मामले में जो भी चीज़ है ना, कि आपका मैसेजेस आया है, अगर आया है तो कब मिलेगा, क्या प्रोसेस है मिलने का, कहाँ मिलेगा, कैंपस में मिलेगा कि कॉलेज में मिलेगा, स्मार्टफोन टैबलेट से संबंधित जो भी समस्या है ना, वो कोई बस एक अगर उत्तर दे सकता है, इसका रिस्पॉन्सिबल है वो आपका महाविद्यालय, आपका कॉलेज। कोई यूट्यूबर, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कोई आपको कुछ इस मामले में मदद नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो आपका महाविद्यालय, ठीक है। आप अपने महाविद्यालय के संपर्क में रहिए। पहली बात तो जिनका ग्रीन है उनको तो मिलना तय है कि उनको मिलेगा, ठीक है, और जिनको मैसेजेस आ गया उनको तो कंफर्म ही हो गया कि उनको मिलना है। डेट कब होगी ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, प्रोसेस क्या होगा, स्थान क्या होगा, ये कॉलेज डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का नहीं आया है वो इंतजार करें। आप देख सकते हैं 1:12 पे भी बच्चों को मैसेज आए हैं कि आप चयनित हो गए हैं, तो हो सकता है आ जाए। देखिए, जहां तक बात सरकार के देने की है, सरकार के पास भारी मात्रा में है इनके, जैसे कि इनका वादा था। अब कब देना है, कैसे देना है, ये डिसाइड हो जाएगा कॉलेज के थ्रू, और जैसे कोई सूचना आती है आपको बता दिया जाएगा इस चैनल पे। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ गए होंगे, और नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ भी जुड़ के पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं जो भी समस्याएं। और दूसरी बात, आप कमेंट में बताइए कि आपका स्टेटस क्या है, कैसा है, आपको मैसेजेस आ गए, नहीं आए, नहीं आया तो क्या समस्या है बताइए, ताकि देखा जाए। आप अपना कोर्स नाम मेंशन करिए, BEd BSc BCom कहाँ का है वो बताइए, और किस यूनिवर्सिटी से, आप ये भी बताइए ताकि और अच्छे से बात को समझ में आए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं बहुत जल्द स्मार्टफोन या टैबलेट आपके हाथ में होगा
और जैसे ही मिलेगा एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर बहुत मुझसे मुमकिन है तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा।